हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 15। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। ये लेक्चर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और ये बात सुन लीजिए, ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दो नंबर में कई बार पूछा गया है व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कई बार पूछा गया है 2 मार्क्स में, ठीक है। और इसका तो ऑब्जेक्टिव आता ही है, ठीक है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट विथ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हमने लाया है, इस पर न्यूमेरिकल भी और इस पर ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। एक लेक्चर के लास्ट में इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में लेक्चर होंगे। हाँ, इससे पहले आपको राउल्ट लॉ, वेपर प्रेशर, ये चीज आना चाहिए। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 12 को देख लीजिए, तब आइए यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब अनुसंख्यक गुणधर्म। आइए इसको समझते हैं, इसका डिफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, इसका डिफिनेशन है, सबका डिफिनेशन है, टेंशन मत लीजिए, हम डिफिनेशन लेके आते हैं, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, समझिए। विलयन के वह गुण, सॉल्यूशन के वह गुण, उस गुण को हम अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल, विलय की संख्या पर निर्भर करेगा, विलय के नेचर पर नहीं, पार्टिकल के नेचर पर नहीं, पार्टिकल के प्रकृति पर नहीं। कोई पूछेगा अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या देखिए क्या लिखिएगा, सुनिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है ना, विलयन का वह गुण होता है जो केवल विलय के संख्या पर निर्भर करता है, विलय के संख्या पर, विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बात समझे। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्यूट में फेटेंगे, यानी अवाष्पशील विलय को क्या करेंगे, वाष्पशील विलायक में मिलाएंगे, तो जनबे करेंगे क्या होगा सो। आइए तो पहले इस समझ में आया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दीजिए, ठीक है, सॉल्यूट पर, हाँ डिपेंड करता है, और डू नॉट डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं। डिफिनेशन देखा, ये डिफिनेशन है इसका, डिफरेंस क्या क्या, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वह गुण ना विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, विलय के ना विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, डू नॉट डिपेंड ना ऑन देयर नेचर, विलय उसके नेचर पर नहीं, विलय के कणों के प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता, ये विलयन का वह गुण जो केवल किस पर निर्भर करता है, विलय के कणों पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बात समझ में आया, उसको कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म, 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, ठीक है, बात पचा क्या, कोई दिक्कत इसमें, बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होता है कई गो होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गो होता है, कई गो होता है, पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लिख देंगे चलेगा, वेपर प्रेशर जब पूरा लिख दे चलेगा, अच्छा चल ठीक है, चलेगा ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का
हिंदी में कहते हैं वासुदाव का आपेक्षिक, वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन मतलब घटना, और उन्नयन मतलब बढ़ना, अवनमन मतलब घटना। दूसरा क्या है? दूसरा है एलिवेशन, एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो कल ही हम लोग पढ़े हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो क्या पढ़ेंगे भाई? ना, क्वथनांक में उन्नयन, हिंदी में कहेंगे इसको क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, ये दोनों जान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बोलेंगे हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, अवनमन। चार नंबर देखिए क्या है, चार नंबर ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बोलेंगे परासरण एवं परासरण, परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब। इसमें हम लोग डिफ्यूजन को ही पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, आज हम लोगों का क्लास चलेगा सिर्फ इस पर, इस पर ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे, इसका डिफिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, समझे? और क्या करते हैं, इसको समझते ही होता क्या है रिलेटिव लोअरिंग, और ये दोनों सेम है। ठीक है, ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों सेम है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर, वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आइए अब ध्यान दीजिए ये होता क्या है, तो हम क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब हम क्या करेंगे वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिला देंगे, तो मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा ना, पहले का जो वाष्प दाब बनेगा और बाद वाला जो वाष्प दाब उसमें क्या जाएगी, कमी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी कमी। अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में सिर्फ हम पानी रखे हुए हैं तो उसका वाष्प तो ज्यादा बन रहा है, बनना क्यों बना ज्यादा, लेकिन उसमें अगर हम चीनी मिला दे, उसमें हम क्या ग्लूकोज मिला दे, तो जो वेपर प्रेशर पहले से बन रहा है अब तो कम बनेगा। ये बात समझ में आया? तो हम क्या कर, रिलेटिव लोअरिंग इन, लोअरिंग मतलब कम, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब में कमी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाष्प दाब में कमी। तो वाष्प दाब हमको कम कैसे करना है, तो हम पानी को खौलाए हैं, खूब वाष्प बना हुआ है, और उसमें जाके चीनी रख देते हैं, उसमें जाकर के हम ग्लूकोज रख देते हैं, उसमें जाकर हम यूरिया रख देंगे, वो तो वाष्प बनाएगा नहीं, चीनी खाली वाष्प बनाएगा नहीं, बनाएगा चीनी को कितना गर्म कीजिएगा वाष्प नहीं बनाएगा, वो अवाष्पशील है, ग्लूकोज अवाष्पशील है, यूरिया अवाष्पशील है, उसको वो तो वाष्प बनाएगा नहीं। और जैसे ही पानी में जाएगा वो क्या करेगा, जो पहले जो वाष्प बन रहा है ना उसमें भी कमी कर देगा, क्योंकि उसके सतह पर आ जाएगा ना भाई, तो कमी कर देगा ना उसके वाष्प में। आइए, नहीं समझ में आता तो समझिए इसको, मान लेते ये हमारा एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस चीज से बना मेरे भाई, बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हमको इसमें लेना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमको इसमें लेना है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील भी ले लेना है। ये क्या क्या होगा,
एक हुआ सबसे पहला हम लेते हैं ग्लूकोज, क्या लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6H12O6। इसका एटॉमिक मास कितना होता है 180 ग्राम ना। आइए अगर एक और होता है सुक्रोज, सुक्रोज सुक्रोज मतलब चीनी, क्या होता है C12H22O11। इसका होता है 342 ग्राम, ठीक है ठीक। एटॉमिक मास जो होता है सो, एक होता है यूरिया, क्या होता है यूरिया, इसका होता है NH2CO2, इसका होता है 60 ग्राम, क्या ग्राम होता है एटॉमिक मास 60 ग्राम। तो ये चीज जो है ना ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया, इसको हम क्या करेंगे, जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाल देंगे तो ओकर जो वाष्प दाब पहले से बनल रहेगा ना, वाष्प जो वेपर प्रेशर ओकरो कम कर देगा ही जाकर के। तो ये नॉन वोलेटाइल हुआ, अवाष्पशील हुआ, ये तो खुद वाष्प बनाएगा नहीं और जाकर के दूसरों को वाष्प को भी खराब कर देगा, बात समझे। आ ये है सॉल्वेंट, मतलब यहां लेते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट, क्या लेते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट मतलब वाष्पशील विलायक। ज्यादा फास्ट ना ले चल रहा हो, फास्ट ना ज्यादा। अब सुनिए, जैसे इसमें हो जाएगा H2O, CH3OH, C2H5OH है ना, C6H6 जो बेंजीन होता है। तो ये सब आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अब क्या करेंगे, इस जो नॉन वोलेटाइल जो है ना सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय, इसको हम जाकर के हमें फेंक देंगे। अब जो प्योर ये वाटर है, जो ये वाष्प बना रहा है, जो ये वाष्प प्योर वाटर जो वाष्प बना रहा है, अगर इसको इसमें मिला देंगे, क्या इसके वाष्प में कमी आएगी कि ना कमी आएगी, इसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी ना। तो उसको क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे। सर आप तो पढ़ा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग, तो रिलेटिव कहां से आ जाएगा, अपेक्षिक कहां से आ जाएगा, बताते हैं रुकिए। तो ये पहले बात पहले पचा, तो मतलब अब तो हम समझ में आ गया कि सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या करना है, वेपर प्रेशर को लो करना है, कम करना है। तो कम कैसे करेंगे, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट में अवाष्पशील द्रव में हम क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय मिला देंगे, अपने जो है वाष्प दाब जो है कम हो जाएगा, ठीक है। अब रिलेटिव मतलब उससे तुलना करना, सापेक्ष में होना चाहिए, मतलब नीचे भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, यही बात ना है। अब आइए हम लोग अब देख लेते हैं इसके बारे में, पहले समझते डिफिनेशन, बाद में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है इसका और न्यूमेरिकल भी है इसका, वो भी करेंगे। मान लेते हम एक कंटेनर ले लिए, बंद कंटेनर है, ठीक है। इसमें पहले से जो है ना, पहले से इसमें हम भरे हुए हैं लिक्विड, द्रव ए भरे हुए हैं। तो ए के पार्टिकल्स बढ़िया से यहाँ पे है, पूरा में एकदम टनाटन है ए के पार्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना क्या बनाया हुआ है, इसका बढ़िया वेपर प्रेशर भी है। तो इसको हम अगर ए है, इसमें सिर्फ ए है, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बोलिए पी नॉट ए, इसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड लिक्विड ए। कहिएगा सॉरी नया है क्या, अरे इसे पीछे पढ़ाए हैं ये बात को, इसे पीछे पढ़ा है इस बात को, ठीक है। द्रव ए का वाष्प दाब, द्रव ए का वाष्प दाब, बात समझ में, द्रव ए का वाष्प दाब, वो भी द्रव ए नहीं, शुद्ध द्रव ए का, शुद्ध ना भाई अकेले ना है, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है इसमें, ठीक है। क्योंकि सिर्फ द्रव हम ए भरे हुए हैं, ए भरे हुए हैं, और इसका वेपर प्रेशर बनेगा तो पी नॉट ए ना बनेगा भाई। अब इसमें हमको क्या करना है, इसके वाष्प दाब को कम करना है ना, इसमें हम जोड़ देंगे क्या जोड़ देंगे, बी, क्या जोड़ देंगे, बी, बी क्या है, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, ये जो ए क्या था, ए क्या था मेरे भाई, ए था वोलाटाइल सॉल्वेंट, क्या था सॉल्वेंट, ए जो था वोलाटाइल वाष्पशील विलायक था। अब उसमें हमने क्या कर दिया, बी फेंक दिया, बी क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्या है,
नॉन वोलाटाइल मतलब अवाष्पशील क्या है? बोलिए 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 बिले, बोलिए बिले। ये बात पचा की नहीं सो पहले बताइए। अच्छा, ये जब हम इसमें फेंट देंगे तो फेंटने के बाद अब कंटेनर में चेक कीजिए, यहां तो द्रव है, ये है भाई ना। अब देखिए ए तो है, ये है कहीं कहीं ए है, कहीं कहीं बी भी घुस गया करके, ए तो है ये है और इसमें बी भी आके घुस गया। अब सुनिए, तो नीचे ए है, ए के पार्टिकल बहुत है, ठीक है, लेकिन जो वाष्प दाब बना इसका, जो वेपर प्रेशर बना, वाष्प बनवे ना करेगा भाई, लिक्विड तो वाष्प बनवे करेगा, लेकिन जितना पहले बन रहा, यहां जो वाष्प बन रहा था और वाष्प द्वारा जो दाब लगाया जा रहा था लिक्विड के सतह पर, वही ना वाष्प दाब। वाष्प दाब पर आए हैं, ध्यान है कि ना आप लोगों को? तो वाष्प दाब क्या होता है, जो लिक्विड द्वारा जो वाष्प बनता है, यही वाष्प जो है इस लिक्विड के सतह पर जो दाब लगाता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। तो वेपर प्रेशर जो लगाया गया इसके द्वारा ये बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमें मिला दिए, चिल्ली कहिए, ग्लूकोज कहिए, यूरिया कहिए, इसको जैसे ही हम मिला दिए, अब क्या किया, कुछ ना कुछ तो भाई जो लिक्विड था ऊपर जगह तो छिपने करेगा, जगह छेकेगा तो जितना वाष्प बन रहा था पहले, वाष्प कैसे बनता है, हीट करने से, तो वाष्प बन रहा था जितना, उसमें तो कमी तो करवे करेगा, कमी करेगा ना। तो यहां के वाष्प दाब को हम बोलते हैं पीए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिख रहा है, सॉल्यूशन देखे थे उसमें, सॉल्यूशन कटना रहा है, कट रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, बिलियन का वाष्प दाब, हिंदी बोलेंगे बिलियन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ये बात पचा सबको? आए, अब एगो बात एकदम जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर जो ये पी नॉट ए जो था, मतलब प्योर ए का वाष्प दाब, वो ज्यादा है सर किससे, पी ए से, बिलियन के वाष्प दाब से, भाई कि नहीं भाई, ज्यादा है कि नहीं, मतलब यहां कम हो गया, यहां ज्यादा था भाई, यहां प्योर लिक्विड था, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, यहां जो वाष्प दाब था यहां की तुलना में ना ज्यादा है, ये कम हो गया, कम क्यों हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, कम हो गया, वाष्प दाब में कमी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव को पढ़ना है तो उसके लिए हमको राउट लॉ का फॉलो करना पड़ेगा, आइए फॉलो करते हैं, आइए पहले तो ये बना लीजिए, ये आपका है मान लीजिए सिर्फ ए, सिर्फ ए, ए इस पे क्या है P नॉट A, समझ गए हैं हम लोग, समझे, यहां P नॉट A, इसमें हम क्या कर दिए B मिला दिए, B क्या था इसकी, P नॉट P A क्या, A क्या है, A A क्या बोलिए, A क्या है, ये A क्या है मेरे भाई, A है लिक्विड, A है लिक्विड, वो भी वोलेटाइल सॉल्वेंट, A है वोलेटाइल सॉल्वेंट, अब नहीं लिखेंगे, लिख दिए हैं एक बार, अब पिछले दिए, अब B क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील बिले। अब जो है यहां पर क्या हुआ, सुनिए क्या हो गया, अब क्या हुआ, ए के पार्टिकल, बी के पार्टिकल, ए के पार्टिकल, बी के पार्टिकल, ए के पार्टिकल, बी के पार्टिकल, ये सब आ गए। अब जितना पहले वाष्प बन रहा था ना, उतना वाष्प नहीं बनेगा, ये बात पता है ना, ये हो गया आपका बिलियन का वाष्प दाब, इसका बिलियन का। अब आपका मन हो तो आप बी को यहां मान सकते हो, ए को यहां रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताए हैं शुरू में कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो सिर्फ मोल के, सिर्फ बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, बिले के कणों की संख्या, विलायक के नहीं, बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। अब कैसे आएगा अभी हम बता रहे हैं, तो हम चलते हैं फ्रॉम राउल्ट लॉ से। अच्छा, एक बात और बताते हैं
कि हमको इसमें वाष्प दाब और बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा वाष्प दाब बढ़ाने के लिए, एक जो कण है मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट वो तो बढ़ाना पड़ेगा, उसके अमाउंट को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके अमाउंट मतलब उसके मोल फ्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा ना। अब फ्रॉम राउट लॉ क्या कहता है, आइए चलते हैं फ्रॉम आर ए ओ यू एल टी राउल्ट्स लॉ, हिंदी में राउल्ट के नियम से लिखेगा। राउल्ट के नियम क्या कहता है कि जो ये वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब ये जो है ठीक है वो बात सुनिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए ठीक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की, नहीं ना कहता राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ यही ना कहता है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम यही ना कहता है। अरे भाई छोड़ दो राउल्ट लॉ को छोड़ दो, सुन इसमें हम चाहते हैं कि और वाष्प दाब बढ़े तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए के कणों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, यानी ए के जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ेगी, ए के मात्रा बढ़ानी मतलब ए के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, ए के मोल फ्रैक्शन, तो अगर पी ए को ज्यादा करना है तो हमको मोल फ्रैक्शन को और बढ़ाना पड़ेगा, किसके मोल फ्रैक्शन को, ए के मोल फ्रैक्शन को, तो ये बात कहां से आ गया, हमने तो पीछे जो पढ़ाया था राउल्ट लॉ उससे रिलेट कर रहा था, लेकिन अगर ए के वाष्प दाब को हमको अगर और बढ़ाना है, और बढ़ाना है पी ए के वाष्प दाब इसको और बढ़ाना है, तो ए के मोलों की संख्या बढ़नी चाहिए, सॉरी ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए, ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए। अब कहिएगा सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नीचे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो ऊपर वाला ज्यादा रहेगा तो नीचे वाला कितनों से भाग देंगे उससे क्या मतलब, अपने ज्यादा होता जाएगा। अब सुनिए तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या सर कि जो वाष्प दाब ए का जो वाष्प दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ए के, क्योंकि ई हमको वाष्प दाब हम ए के बढ़ाना चाह रहे हैं, बिलियन का वाष्प दाब अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमको ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ए का मोल अंश मोल प्रभाज बढ़ाना पड़ेगा। मोल प्रभाज क्या होता है, टाइप कीजिए मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन बाय एसपी यादव, देख लीजिए यूट्यूब पे जाकर के, नहीं तो लेक्चर नंबर 3 देख सकते, अरे कला मिटा रहे यहां दीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम तो यहां से ही बता दिया हमने, राउल्ट लॉ भी यही कहता है, राउल्ट लॉ भी यही ना कहता है। अब ई प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट क्या आएगा सो बताइए, पहले हमारा नहीं मालूम है आप बताइए, के एच, अरे हेनरी में ना के एच होता है, राउल्ट में पी नॉट ए, पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ए, सर इतना तो हम राउल्ट लॉ में पढ़े थे, सर इतना तो हम राउल्ट लॉ में ही पढ़े थे, तो नया कहां बता रहे हैं कुछ, सर राउल्ट लॉ कहां गया बे, इतना तो हम राउल्ट लॉ में पढ़े थे, ये आइडियल नॉन आइडियल है ना, इतना तो देखिए तो हम राउल्ट लॉ में पढ़ लिए थे, देखिए तो यह सब पढ़ते पढ़ते राउल्ट लॉ में है, तो नया कहां है, आइए तो नया नहीं है तो नया हम बताते हैं आप लोगों को, इस लेक्चर में नया बताते हैं, कहां है हम लोग, यहां थे, यहां नया क्या इसमें कि सर ये वो चीज हम पढ़े थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर एक पढ़े थे ना सर, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर एक माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो सकता है, अच्छा ई ए क्या है, ए क्या है तो इसको पतला कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को बोलते हैं सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्वेंट है, क्या है सॉल्वेंट, अब बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हिंदी में क्या बोलेंगे विलेय का मूल अंश, इसको विलायक का मूल अंश ए, तो सर आप क्या कहना चाह रहे हम समझ रहे हैं, आप यही ना कहना चाह रहे हैं कि पी ए बराबर लिख दीजिए पी नॉट ए
इनटू में ये मोल फ्रैक्शन ए जो है उसके जगह पर लिख दीजिए एक माइनस मोल फ्रैक्शन बी, एक माइनस मोल फ्रैक्शन बी। सर अब इसको गुना कर दे, हाँ कर देते, आइए पी ए बराबर पी, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन बी, एक बी बी ना हो जाएगा आ? अच्छा एक काम हम कर सकते हैं, ई जो है इधर माइनस में है एकरा लाते हैं इधर प्लस में, आ ई जो है प्लस में का ले आते उधर माइनस में, ही बात पचेगा आ? लिखे ई माइनस में इधर ले आके प्लस में, तो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन बी बराबर ई तो है ये है पी नॉट ए माइनस में पी ए प्लस में उधर जाकर के माइनस में पी ए। अब इस चीज को गौर कीजिए, इस चीज को कि सर ये जो पी नॉट ए है मतलब प्योर वेपर प्रेशर है लिक्विड ए का, अब पी ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है ना, यानी कि प्योर में से कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है, मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग हो रहा है, तो इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरे कलम से लिख देते हैं, ठीक है, वाष्प दाब में कमी, हिंदी वाले लिखिए जगह नहीं, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, या वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब की में कमी। सर तो ये हम जो पढ़ रहे थे बार बार, तो आप यह बात बता रहे हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी आ गया, द कमी, सर रिलेटिव वाला बताइए ना, तो आइए ये गुना में है उन्हें जाकर के भाग में, अच्छा रुकिए रुकिए तनका ऊपर कर देते हैं, जगह जब ये है तो का दिक्कत है, आइए अब हो गया। तो सर ये पी ए, सर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए बटा में क्या हो जाएगा पी नॉट ए, यही हमारा हो गया। अब देखिए ये था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इससे हम भाग दिए, मतलब इससे रिलेट कर रहे हैं, आए रिलेटिव पढ़े थे ना, रिलेटिव में क्या क्या किस में पढ़े थे, क्या बोलते हैं फिजिक्स में जो पढ़े थे आ? किस में, परावैद्युत स्थिरांक में आ? E R बराबर E नॉट बटा में एप्सिलॉन नॉट बटा में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मीडियम बटा एप्सिलॉन नॉट, तो हम भाग अगर देते हैं इससे तो यही हो गया रिलेटिव, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, क्योंकि ये हम यहां लोअरिंग वेपर प्रेशर में कुछ कमी था, हम इससे हम प्योर बड़ा से भाग टोटल से भाग दे दिए, टोटल में से कुछ कम हो रहा था ना, अब भाग दे दिए टोटल से, जैसे यहां 100 में से 75 कम हो रहा है, भाग दे दिए हम 100 से, 100 में कुछ कम हो रहा है और टोटल से हम भाग दे रहे हैं, तो इसी को रिलेटिव ना बोलते हैं, इसी को ना उसके चापेक्ष या उसके आपेक्ष बोलते हैं, ठीक है, तो यही हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझ में आया, तो सर ये तो पूरा क्लियर हो गया, हमको समझ में आ गया, ये जो है आपका पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है ये, सॉल्वेंट है, और ई क्या है वही बात तो है ये, वही बात है ये, और सर ई क्या है, सर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी है तो सॉल्यूट, बिले का जो मोल अंश है वो बराबर किसके है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ बिले के कणों की संख्या पर, आना क्या बिले, आना क्या बिले, समझ आए आपको, दिक्कत इसमें नहीं आ? कहां अब
अच्छा ये ऑफ यहां था ना, यहाँ ऑफ सॉल्यूट, ठीक है अब तो हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके डिफिनीशन पर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्योंकि भाई डिफिनीशन भी ना चाहिए, दो नंबर लेना है तो डिफिनीशन लिख करके डायरेक्ट लिख देंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर पहले देंगे पी नॉट ए माइनस पी ए बटा में पी नॉट ए, और नीचे लिख देंगे यह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सॉल्यूट बिले का मोल अंश, इसको लिख देंगे बोलिए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, या ए मतलब सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है लिख देगी याद रहे हम दिमाग में लिख लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूट, हिंदी में आइए बी का मोल अंश लिखे या मोल प्रभाज लिखे, बी मतलब बिले का, बिले बी मतलब बिले का मोल अंश या मोल प्रभाज, इसको क्या लिखेंगे शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, या लिखेंगे विलायक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको लिखेंगे बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और बिले का मोल अंश। चलिए डेफिनेशन, मिक्सिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ना विथ वोलाटाइल सॉल्वेंट, लिख दीजिए वोलाटाइल सॉल्वेंट, लोअर्स मतलब कम हो रहा है ना, जब हम मिलाते हैं किसको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में जब हम मिला देते हैं तो लोअर मतलब घटने लगता है, घट जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो बनता है उसका वेपर प्रेशर कमता है कि नहीं कमता है, कमता है ना, एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उसमें से कमता है कि नहीं कमता है, तो वही हिंदियों में लिख दिए हैं, ये लिख दीजिएगा और जरूर लिखिएगा क्योंकि बहुत जगह किताब में यहाँ ए रहता है यहाँ बी रहता है यहाँ बी रहता है यहाँ बी रहता है, बहुत जगह किताब में यहाँ ए रहता है यहाँ पी टी रहता है यहाँ पी ए रहता है टी टू कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पर उसको दर्शा देंगे कि हाँ ई ई है, समझे। चलिए भाई साहब तो इसका कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, अब बताइए इसका ऑब्जेक्टिव में कौन सही है, देखिए हमने ये पीटी लिख दिया, टोटल टोटल मतलब बिलियन, टोटल मतलब बिलियन, टोटल मतलब बिलियन, ईपीए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है पीटी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आई टी के देखिए टी के जगह पे ए रहा, ए हम दिए है ना वहां, बात समझ में आया। चलिए आइए निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम बताइए कौन सही है, ए बी सी डी ए, क्योंकि पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए, ठीक है हाँ, अगर यही रहता कि पी बराबर के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, इससे क्या होता हेनरी 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 लॉ। चलिए आइए एगो सवाल है बहुत मजेदार सवाल है कर लेते हैं न्यूमेरिकल है, देखिए क्या दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना एमजी दिया, वेपर प्रेशर वाटर का इतना एमएमएचजी दे दिया है, मतलब प्योर वाटर, वाटर क्या है सोलवेंट, मतलब जो प्योर हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या था हमारा P नॉट A था, इसका मान है 60 mmHg दे दिया। चलिए वो हो गया, सम टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर पर दिया है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या माने थे हम लोग, बोलिए 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 पी ए माने थे, ये हमको निकालना है, आइए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 72 ग्राम वाटर, तो यहां पर वाटर है उसमें 30 ग्राम यूरिया को फेर दिया है, हमको क्या निकालना है ईपीए का मान निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो हम जानते हैं ये वो फॉर्मूला क्या जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए, अभी तुरंत पढ़े हैं बटा है पी नॉट ए, तो इसका तो मालूम है हमको, इसका मालूम है और इसका निकालना ही है, और ई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमको कहां से आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहां से आएगा उसको बताइए, मोल फ्रैक्शन बिले का मोल अंश कहां से आएगा, बिले का मोल अंश, तो मोल सुनिए मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट होता है
ओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी क्या है सोल्यूट, सोल्यूट क्या है मेरे भाई यहाँ पे 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया सोल्यूट है, 30 ग्राम यूरिया ये ना सोल्यूट है, 72 ग्राम वाटर क्या है सोलवेंट है, तो इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो चलिए 30 ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम यूरिया ठीक है। अब इसका हम लोग क्या नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गिवेन मास अपॉन मोलर मास ना। तो यूरिया का हम निकालते हैं नंबर ऑफ, नीचे निकाल लेते थोड़ा जगह चाहिए हमको ना, यूरिया का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बी का ठीक है, नंबर ऑफ मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या, बी का दिया हुआ द्रव्यमान बटा में बताइए बी के आणविक द्रव्यमान, तो बी का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 30 ग्राम। अब बी का आणविक द्रव्यमान मतलब यूरिया का आणविक द्रव्यमान 60 होता है, 60 ग्राम निकाल कर देख लीजिएगा, इसे ही मतलब 0.5 हो गया। आइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए क्या है सॉल्वेंट, यहाँ ए जो है वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है हमारा पानी, सॉल्वेंट क्या है हमारा पानी, बोलिए बोलिए पानी, तो 72 ग्राम वाटर है, तो दिया हुआ द्रव्यमान आइए हो अगर ना निकाले बैठो तो का पढ़े छो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आएगा आप लोगों को, अब मोल फ्रैक्शन तक का पढ़े के बाद नीचे कितना होगा वो 18 ग्राम, पानी का 18 होता है यानी कि 4 मोल हो जाएगा, ये इतना मोल आई 4 मोल, तो आइए ये हो जाएगा आपका 0.5 मोल और नीचे हो जाएगा 0.5 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 0.5 बटा में 4.5, दशमलव से दशमलव रहेगा 5/45 1/9 एक हो जाएगा 1/ है ना है? मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, बी का मोल अंश, बिले का मोल अंश, अब तो निकल जाएगा एकर मान है 60 दिया हुआ यहाँ पे, माइनस में पी ए नहीं मालूम था और इसका भी 60 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कले, इससे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 और बटा में तो 9 रहने दीजिए बराबर ही 60 माइनस पी ए, अब क्या करेंगे ये माइनस में पी ए इधर आकर के प्लस, अच्छा इसको भाग दे लेते हैं, रुकिए रुकिए हम इसको बीन का जो घटाव करने पर नहीं लेके जाते हैं इसको, इसको डायरेक्ट हम बना देंगे 9 से भाग देंगे क्या बार में लगेगा हो 9×6=54 फिर 6×9=54 अरे 6.66 आते रहेगा बराबर 60 माइनस पी ए, अभी माइनस में पी ए इधर आकर के प्लस में पी ए, अरे भाई माइनस में है ना, हाँ बात समझ में आ गया तुम लोगों को, यानी कि पी ए बराबर हो जाएगा ये बराबर के बाद ये 60 और ई उधर जाएगा माइनस 6.666 तो ये हो जाएगा 53.33333 ये हो जाएगा हमारा पी ए, आया समझ में, अरे 60 में से 6 घटेगा तो 54 होगा और 6.666 तो 3.333 बात समझे। तो चलिए अगर अच्छा लगे, अरे थैंक यू नहीं है ये तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ गया, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, चलिए भाई अगर लेक्चर बढ़िया से अगर आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए, ऑल द बेस्ट।